सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कुछ एस मुफारे सर के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंस्ट्रक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं कि हमारे आसपास और हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें इस समय हो रही हैं। लेकिन इसी के संबंध में जो है एस मुफारे सर ने बहुत कुछ हम सब लोगों से बोला है, और इसलिए इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीजें आप लोगों तक पहुंचाना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आप सब लोग इस ऑन पैसिव को लेकर के बिल्कुल हमेशा पॉजिटिव बने रहें। दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जुड़े हैं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी आपको और हम सबको पहले से ही पता है कि अभी जो हमारा 24 जून जो गया था, उसके बाद बहुत सारी चीजें यहां पर नेगेटिव होने लगी, बहुत सारे लोग नेगेटिव होने लगे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नेगेटिव पोस्ट करने लगे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लोग नेगेटिव वीडियोस भी बनाने लगे। तो यहां पर एस सर ने हम सब लोगों से क्लियरली एक ही जवाब दिया है कि मुझे ऐसे लोगों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने और हम सब लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी हैं। और ऐसी बात नहीं है कि जो नेगेटिव चीजें होती हैं वो मेरे मन में नहीं आती हैं या आपके मन में नहीं आती हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों में परसेंटेज किसका ज्यादा है। यदि आपके मन में जो है 20% केवल नेगेटिव चीजें आ जाती हैं कभी कभी, लेकिन 80% पॉजिटिव चीजें रहती हैं, तो नेगेटिव चीजें कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे 24 जून के बाद बहुत सारे लोगों ने जो है अपने अपने तरीके से बोलना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया पे कमेंट्स करना शुरू कर दिए, पोस्ट बना करके डालना भी शुरू कर दिए, और यहां तक कि जितने भी सही तरीके से जो वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे, उनको भी जो है उनके कमेंट सेक्शन में उनके वीडियोस के नीचे बहुत सारी चीजें वहां पे पोस्ट करनी शुरू कर दी। लेकिन इन सारी चीजों से होगा क्या, इन सारी चीजों से कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एस सर ने एक बात एक ही लाइन में खत्म कर दी कि इन सारी चीजों से ऑन पैसिव के ऊपर या हमारे ऊपर या हमारी टेक्निकल टीम के ऊपर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज हम जिस स्पीड से काम कर रहे हैं या हम जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से कर ही रहे हैं। ऑन पैसिव की बुराई भी लोगों ने करनी शुरू कर दी, यहां तक कि हमारे एस सर की भी जो है बुराई करनी शुरू कर दी, तो इससे क्या होगा, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। एस सर ने अपने खुले शब्दों में कहा है कि इससे क्या होगा, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, यहां तक कि इससे आपका ही आने वाले टाइम में नुकसान हो सकता है। जी हाँ, और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज जो हमें एक बात अच्छी तरीके से समझनी है वो क्या है, कोई भी एक ऑनेस्ट कंपनी होती है या कोई भी एक ऑनेस्ट व्यक्ति होता है, उसके ऊपर इन सारी चीजों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी असर इन सारी चीजों का बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। और एस सर ने बहुत सारी चीजें बताई, लीडरशिप को कैसे डेवलप करना है, एक लीडर को क्या करना चाहिए, और इस ऑन पैसिव के अंदर आपको क्या करना है, किस तरीके से काम करना है। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि यहां पर कुछ नहीं हो रहा है या यहां पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक गलत फहमी का शिकार हो चुके हैं। ऑन पैसिव को ऐसे लोगों की जो है किसी भी हाल में जरूरत है ही नहीं, और खास तौर से नेगेटिव लोगों की तो इस दुनिया को ही जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जो दुनिया चल रही है ये हमेशा पॉजिटिव चीजों से चल रही है, वरना जहां नेगेटिव चीजें होती हैं या नेगेटिव लोग रहते हैं वहां पे तो आप देख रहे हैं कि वहां पे उन लोगों का जो है क्या हाल होता है। तो ये जो दुनिया है वो हमेशा पॉजिटिव चीजों से ही आगे बढ़ रही है, अगर पॉजिटिव चीजें नहीं होती तो ये आज हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो वहां तो कभी हम जो है नेगेटिव थॉट कभी लेके भी नहीं जाते हैं। कभी आप प्रार्थना करते हैं या नमाज पढ़ते हैं तो उस समय कभी भी हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट आता ही नहीं है, वहां तो ऑलवेज पॉजिटिव थॉट ही आता है कि भगवान ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, है ना। तो ये सारी चीजें हम यहां पर रह करके अपने घर में रह करके भी तो हम ये सारी चीजें सोच सकते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। आप नेगेटिव कमेंट करो या पॉजिटिव कमेंट करो, ये आपके ऊपर असर बहुत अच्छा डालने वाला है, एक एक जो हरकत होती है वो आपके ऊपर असर डालेगी। ऐसे ने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है कि अगर आप नेगेटिव कमेंट करते हैं या आप एक नेगेटिव वीडियोस भी बनाते हैं तो ऑन पैसिव के ऊपर इसका कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है, ऑन पैसिव के ऊपर इसका कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। और यहां तक कि हमारे जो मोहम्मद कमाल सर हैं, इंजीनियर मोहम्मद कमाल सर हैं, उन्होंने भी कहा कि हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ही ऑनेस्ट है, हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ही ह्यूज सिस्टम है, बहुत ही बड़ा सिस्टम है, यहां पर हम एक परमानेंट सफलता के लिए यानी कि परमानेंट सक्सेस के लिए हम यहां पे आ रहे हैं, परमानेंट सफल होने के लिए आ रहे हैं, जिंदगी में कभी हमें पीछे मुड़के ना देखना पड़े, और इसलिए यहां पे बहुत सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। इसके अलावा हमारे एस सर ने एक चीज और भी बात कही थी कि आपको
हमारे इस ऑन पैसिव का और हम सब जो प्रोडक्ट बना रहे हैं इन सब का जो है आपको हमेशा शुक्रगुजार रहना भी चाहिए, बिकॉज अभी जो हम हमारे जो पेड प्रोडक्ट हैं जैसे ओ कनेक्ट हो गया या ओ ट्रैकर हो गया जो हमारे आज फ्री ट्रायल पे हम सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा ये हम सब लोगों के लिए जरूरी है कि आप भी इसकी अहमियत को समझें, क्योंकि ये जो फ्री में हम लोगों को पेड प्रोडक्ट यूज करने को जो मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी इसका पे कर रही है, कहीं ना कहीं कंपनी इसको इसका भुगतान कर रही है। लेकिन अब आने को तो ये कल को ही लॉन्च हो जाए, लेकिन कुछ चीजें और भी होती हैं जो परफेक्ट बनाने में जिनको टाइम लगता है, तो ये थोड़ा सा और परफेक्ट हो जाए उसके बाद यहां पर ये 100% जो है काम करेगा ही करेगा। तो कंपनी लगातार जो है अपने नए लोगों को रजिस्टर भी कर रही है, आपने देखा होगा अपनी ऑन पैसिव की वेबसाइट पर जो है बहुत सारे लोग नए रजिस्टर भी हो रहे हैं, लेकिन उन सारी चीजों को हमेशा सीक्रेट रखा जाता है, उन सारी चीजों को हमेशा जो है बैकएंड पर रखा जाता है, उन सारी चीजों को बताया नहीं जाता। और यहां पर जितने भी मार्केटिंग चल रही है और जितने भी हमारे एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं उससे एक बहुत बड़ा हमारा कस्टमर बेस, जी हाँ कस्टमर वेस्ट जनरेट हो चुका है और हो रहा है लगातार। और कंपनी में जितने भी नेगेटिव लोग हैं, कंपनी में नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिव वीडियोस बनाते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो नेगेटिव चीजें जो होती हैं वो हमेशा नुकसानदायक ही होती हैं। पहली चीज तो आपको ये समझनी है। और एस सर ने एक बात क्लियर कट कह दी है कि अगर बहुत सारे लोग अगर अपने ही तरीके से काम करेंगे या अपने ही तरीके से जो है नेगेटिव कमेंट करेंगे, चाहे आप कुछ कहें या ना कहें, तो फिर कंपनी को ऐसे लोगों की जो है किसी भी हाल में जरूरत नहीं है। जी हाँ आप इसको थोड़ा सा समझें, क्योंकि ये आपके करियर का भी सवाल है। अगर आप जहां पर एक लाइन लिखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो आप इसके बदले में उसकी तारीफ भी तो लिख सकते हैं, आप इसके बदले में एक पॉजिटिव कमेंट भी तो कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका माइंड सेट रहेगा, इससे क्या होगा कि आपकी चारों तरफ एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भी रहेगी। आप सोचते हैं कि बस मैंने लिख दिया इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो खास तौर से जो लिखने वाला व्यक्ति होता है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। बोलने से उतना ज्यादा असर नहीं पड़ता जितना लिखने से सबसे ज्यादा असर पड़ता है। तो यहां पर बहुत सारी चीजें हमारे एस मुफारिस सर ने बोली है, इसलिए लास्ट में उन्होंने यही बोला है कि नेगेटिविटी से आप जितना दूर रह सकते हैं उतना आप दूर रहें। और इसके अलावा अगर आपके सोशल मीडिया पर या आपके जो भी आप जहां जहां काम करते हैं सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप हो गया या आपका फेसबुक का पेज हो गया या आपका यूट्यूब हो गया या ट्विटर या इंस्टाग्राम जो भी हो गया, जहां भी आपको नेगेटिव चीजें दिखाई देती है, नेगेटिव पोस्ट दिखाई देता है और कौन व्यक्ति इसको कर रहा है उसको हमेशा हमेशा के लिए हटा दें। और अगर आपको भी जो है कोई किसी गलती से आप नेगेटिव किसी भी ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हैं तो आप वहां से रिमूव हो जाएं, तो ज्यादा बेटर रहेगा ये आपके लिए भी, क्योंकि ऑन पैसिव एक बिल्कुल रियल कंपनी है और ऑनेस्ट कंपनी है, और इसलिए हमें यहां पर ऑनेस्ट लोगों की ही जरूरत है। हमें जरूरत नहीं है कि इतने सारे लोग हमारे साथ हैं, अगर हमारे साथ बहुत ही कम लोग रहेंगे तो यहां पर हम बहुत कुछ बड़ा कर पाएंगे। इसके अलावा यहां पे जो हमारा 7 तारीख को जो एक इवेंट होने वाला है वहां पे हमारा एक कॉर्पोरेट वेबिनार भी जो है लागू हो सकता है, कॉर्पोरेट वेबिनार भी हो सकता है और इसकी इन्फॉर्मेशन हमें बैक ऑफिस में जरूर मिल जाएगी। तो 7 तारीख का हम सब लोगों को वेट है, और 7 तारीख को अगर कॉर्पोरेट वेबिनार होता है तो वहां पे हमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी जो है लगातार और भी मिल सकती है जो एस मुफारिस सर के द्वारा होंगी। और इसके अलावा हमारा जो बैक ऑफिस है वो तो आपको पता ही है कि उसके अंदर हमें स्टेट्यून रहना है, और यहाँ पे हमारा जो बैक ऑफिस के साथ साथ हमारा इकोसिस्टम है उसमें भी हमें स्टेट्यून रहना है। एंड लास्ट में एस सर ने एक चीज और भी बताई है कि यदि कोई व्यक्ति नेगेटिव बात करता है, नेगेटिव मैसेज करता है, तो फिलहाल आप उससे जितना दूर रह सकें उतना आप दूर रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, वी आर सुनीत टू विनीत।